पूज्य हैं, पर पीपल और तुलसी जैसा कोई नहीं। नदियां सभी प्रणम्य हैं, पर गंगा जमुना जैसी कोई नहीं। पहाड़ सभी प्रणम्य हैं, पर गिरिराज और कामदगिरि जैसा कोई नहीं। और महाराज देवता सभी प्रिय हैं, पर मेरे इष्ट देव कन्हैया जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में सभी बुजुर्ग सेवा के योग्य हैं, पर माता पिता जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में सारे संत प्रणाम करने योग्य हैं, पर मेरे गुरुदेव ऐसा कोई नहीं। ये भाव अगर जीवन में आ गया, ये निजता का भाव है। यह बड़ी संकीर्णता नहीं है, यह विशालता की भावना है। इसके बिना तुम्हारा भगवान की भक्ति में और गुरु भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता। इस भाव से निज निज ठाकुर बनाओ। हमारे ठाकुर जी हमारे हैं, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे हैं। अपने ठाकुर के साथ लाड़ लड़ाओ, अपने गुरु के वचनों पर चलो, सभी संत की बात सुनो, सबकी चर्चा सुनो, पर निर्देश गुरुदेव का मानना कि उनका आदेश क्या हो रहा है। जीवन में श्री कृष्ण से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और यह बात जिनके जीवन में आ गई, वही ठाकुर के परम प्रेमी हो सकते हैं, वही आनंदित हो सकते हैं। अनंत भाव से महाराज आज यहां ब्रह्मा ने सबको चुरा लिया। जब 5 साल के थे तब यह लीला हुई थी। 1 साल तक ब्रह्मा ने चुरा के रखा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है बाबा, जब तेरी यही इच्छा है बुढ़ा, तेरा दिमाग सठिया गया, तो मैं सृष्टि कर देता हूँ। तू तो केवल नंगा आदमी बनाता है, मैं वैसा ही आदमी बना दूंगा, वैसे ही कपड़े बना दूंगा, वैसे ही पगड़ी बना दूंगा, वही डंडे बना दूंगा, मैया भी नहीं पहचान पाएगी। ठाकुर जी ने ग्वाल बाल बना दिए, ठाकुर जी ने बछड़े बना दिए। 1 साल तक ठाकुर जी ही बछड़े बनकर गैया के स्तन से दूध पीते थे। सारी गैया, बलराम जी देखते कि पहले गैया अपने बच्चे को इतना प्रेम नहीं करती थी, अब दिन रात गैया अपने बछड़े को चाटती ही रहती थी। कौन न चाटे, अधरम मधुरम बदनम मधुरम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब गैया का दूध दुहना होता, कन्हैया खड़े रहते थे, तो गैया सब कहती, काश मेरे स्तन में किसी दिन डायरेक्ट मुंह लगा के तू पी जाता कन्हैया। कहा तथास्तु, एक न एक दिन जरूर पीऊंगा। आज जब ब्रह्मा ने सबको चुरा लिया, तो कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, कृष्ण ही पछड़ा बन गए। अब हर घर में कृष्ण ही कृष्ण है। जो भी माताएं हैं, सुबल की मैया भी आधा लड्डू खुद खिला खाती है और जूठा उसको खिला देती है। अपने बेटे को सबको जूठा खिलाता है और तुम कहते हो सबरी ने सबरी का बेर खा गए राम जी। यहां तो ठाकुर जी साल भर तक सबके घर में भाई का जूठा, माई का जूठा, ग्वालिन का जूठा, उसी का भात साल भर तक ठाकुर ही खा रहे हैं। उसी दिन महाराज ठाकुर जी ने ज्योतिषी को कह दिया कि घोषणा करा दे, ये साल बहुत बढ़िया है, जिनकी बच्चियां हैं छोरियां हैं उनका विवाह जल्दी जल्दी करा दो, बाद में गौना करा देना। महाराज जितनी गोपियां थी छोटी छोटी, उसी समय उसी वर्ष में सबका अनेक ग्वालों से विवाह हो गया, और वो ग्वाले कोई और नहीं थे, साक्षात श्री कृष्ण ही थे। इसलिए श्री कृष्ण के ऊपर आरोप मत लगाना, वास्तव में सबके सच्चे पति श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के रास में वो सब आए थे। इन 1 सालों में जितने विवाह हुए थे सब कृष्ण के साथ हुए थे, कृष्ण ही उनके पति थे। ये नंद कुमारी गोपिकाएं कात्यायनी की पूजा करती थी और मांगती थी कि कृष्ण मेरे पति बन जाएं, कृष्ण मेरे पति बन जाएं, कृष्ण मेरे पति बन जाएं। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, हम सबसे विवाह कर लेंगे, चिंता मत करो। और वो न भी करे तब भी सबका पति है। प्राण धन मोरा, प्राण पति मोरा। पिता उता हम ज्यादा नहीं बोलते, हमारो तो पति है महाराज, हमारो तो सांवरी आई है। पिता उता जिनके होंगे, जिनके मैया बाप होंगे, हम तो कह लेते किशोरी जी हमारी मैया जरूर हैं, हम किशोरी जी के बेटे जरूर हैं, पर ठाकुर तो हमारा प्रियतम है, गले में दबाए के लगा लें जब मन करे। जैसा प्रिया प्रीतम का प्रेम, वैसे ही ठाकुर के साथ अपना प्रेम है। प्रेमियों में कोई दुराव छिपाव नहीं होती, कोई लुकाव नहीं होता, इसीलिए तो व्यासपीठ पर बैठ के कुछ भी बोल जाते हैं। पता है अपने प्रियतम के लिए बोल रहे, थोड़ा रूठे वो तो रात में फिर मना लेंगे, क्या दिक्कत है, है तो अपनो ही महाराज, जाए वो कहां। ऐसा रिश्ता, निजी रिश्ता ठाकुर के साथ होना चाहिए। महाराज 1 वर्ष हो गए, ब्रह्मा ने कहा जरा देखूं क्या खबर है जूठा खाने वाले का। नीचे देखा, यहां तो सब ठीक चल रहा है। कहा तो बर्बाद तो हम हो गए,
तो आया आकर के और भ्रम से गिरा, माफ कर दीजिए गलती हो गई, क्षमा कर दो ठाकुर। ठाकुर ने इधर व्यवस्था कर दिया, क्या किया ठाकुर, ऊपर जब तक ये नीचे आए तब तक ठाकुर एक रूप ब्रह्मा का बना के ऊपर गए और सबको कह दिया आजकल दो चार नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई ससुर आवे तो घुसने मत देना, भीतर जाके खुद बैठ गए ब्रह्मा के। इधर क्षमा उमा मांगा 40 श्लोक में, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हैं, आपके गर्भ में मैं हूँ, गर्भ का बच्चा लात भी मारता है तो मैया नाराज थोड़ी होती है ठाकुर।